नमस्कार, मैं हिना श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद देश भर में आज कई राज्यों में धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। हर राज्य ने धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट खोले जाने को लेकर अपनी अपनी गाइडलाइन भी जारी की है। कई राज्यों ने अभी देश के बड़े बड़े मंदिरों को खोले जाने पर अनुमति नहीं दी है। महाराष्ट्र और झारखंड में धार्मिक स्थल और मॉल फिलहाल बंद रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में भी अभी धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी भवन फिलहाल नहीं खुलेगा। साइन बोर्ड ने कहा है कि भवन खोले जाने को लेकर अभी निर्णय नहीं हो पाया है, जल्द ही इस पर फैसला होगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन होटल और बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे, क्योंकि राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आने वाले समय में इन्हें अस्पतालों में बदलने पर विचार कर रही है। दिल्ली में मरघट वाले हनुमान मंदिर को भी आज श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्मस्थल खोले जाएंगे। मथुरा जिला प्रशासन ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी समेत सभी मंदिरों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर भी अभी नहीं खुलेगा। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद में मंदिर खोले गए हैं। वहीं सोमनाथ मंदिर में आज सिर्फ स्थानीय लोग ही दर्शन कर सकेंगे। बनासकांठ का अंबाजी मंदिर 12 जून से खोला जाएगा। यहां श्रद्धालु शिफ्ट में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये छूट अभी देश में हर जगह नहीं है। राजस्थान में आज धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे हैं, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट, मॉल खोल दिए गए हैं। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर सभी जगह मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। जिन धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का ध्यान रखा जाएगा। झारखंड में भी मॉल और रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। भोपाल में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, लेकिन मॉल और रेस्टोरेंट को खोला जा रहा है। उज्जैन का महाकाल मंदिर खोला गया है। जम्मू कश्मीर में धार्मिक स्थल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, लेकिन सैलून, होटल खोले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। वहीं वैष्णो देवी मंदिर में अभी यात्रा शुरू नहीं हो रही है। गोवा में धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत होगी, लेकिन कई धार्मिक स्थल अभी भी बंद रखे जाएंगे। तमाम धार्मिक स्थलों को आज से खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये छूट सख्त नियमों के तहत है। लोग मंदिर में ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे। श्रद्धालुओं को प्रसाद आदि नहीं बांटा जाएगा। दर्शन के लिए कतार में खड़े होते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। भगवान की प्रतिमा को छूना मना हो, किसी भी धार्मिक पुस्तक आदि को नहीं छूना होगा।